अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज का व्लॉग हमारा बिल्कुल मुख्तलिफ है। आज हम गोपाल या सफीना पर बात नहीं करेंगे। आज हम पार खान में जो कत्ल हुई थी खातून और उनके दो बेटों पर बात करेंगे। बलूचिस्तान के सरदार अब्दुल रहमान कतरान को हिरासत में ले लिया गया है। इसका पस मंज़र क्या है पहले तो आपको बता दें कि बलूचिस्तान से मरी बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली खातून हैं गिरा नाज मरी, और इनके दो बेटों को यरगमाल बनाया गया था और फिर उसके बाद कत्ल कर दिया गया था। इससे पहले खातून ने कुरान पाक लेकर ये भी कहा था कि सरदार कतरांग जो हैं उन्होंने अपनी निजी जेल में हमें कैद करके रखा हुआ है और वो हमें कत्ल करना चाहता है। और उसने ये भी इल्ज़ाम आयद किया था कि उनकी जो बेटी है उनके साथ वो जिना करते रहते हैं और उनके जो बेटे हैं उन पर तशद्दुद भी करते हैं। उनके शोहर की जानिब से भी ऑडियो बयान जो है वो जारी किया गया था कि मेरे बेटों की और बीवी की लाश जो है वो मेरे मरी बरादरी को सुपुर्द की जाए। आज ताज़ा खबर ये आई थी कि बलूचिस्तान के जो सरदार हैं सरदार अब्दुल रहमान कतरांग को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने अपना बयान भी जारी किया है कि उन पर तीन अफराद के कत्ल के इल्ज़ाम है, इस वजह से हिरासत में लिया गया है। सरदार अब्दुल रहमान कतरांग जो हैं वो इस इल्ज़ाम को रद्द करते हैं और कह रहे हैं कि मुखालफीन की जानिब से उन पर यह इल्ज़ाम लगाया गया है और उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। वाक़े के ख़िलाफ़ क्वेटा में जहाँ पाक अफराद के लवाकिन और मरी कबीले के अफराद का धरना दूसरे रोज़ भी जारी रहा था, जिसके बिना पर सरदार कतरांग को हिरासत में लिया गया है। जो ही इस मामले की अपडेट आएगी तो आपको ज़रूर आगाह किया जाएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली अपडेट आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।